रावणं पृच्छ इष्टात्मा जार्थं सुपागमः सर्वेत्नेव माता तस्य क्रान्तं समरे चिन्त्यासितं रावणं चाक्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमप्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीत्। जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संपत कुमाराचार्य श्री वैष्णव मठ जो है मंदरवा काशी, यह जो यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, हमारे भारत को विजय प्राप्त के लिए, कोरोना जो महामारी है उसका नाश के लिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में आया है, रोगातो मुच्यते रोगात, बंधो मुच्यते बंधनात्, भयान मुच्यते भीतस्तु, मुचे तापन आपदा। यानी किसी तरह का बाधा हो, भय हो, वह जो है हमारे आनंद कंद सचितानंद परम ब्रह्म परमेश्वर श्रीमन नारायण का नाम मात्र से ही भाग जाता है। और हमारे आधिष्ठि देवी बंगलामुखी है, जो कि आधिष्ठि देवी कोई भी कार्य जो 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 है महान मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, जो कार्य किया जाता है, जो कि फ्रायन बरण नेता और विश्व हिंदू सेना के संस्थापक अरुण पाठक जी के नेतृत्व में बंगलामुखी का अनुष्ठान हो रहा है, और समस्त काशीवासी के जो पंडित हैं, महात्मा हैं, वह यह अनुष्ठान के द्वारा भगवान से आग्रह करते हैं, माता बंगलामुखी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो है भारत का जो है विजय प्राप्त हो और कोरोना महामारी का नाश हो। माँ बंगलामुखी 16 महाविद्याओं में प्रमुख महाविद्या हैं, और सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है कि मारण मोहन उच्चाटन सम्मोहन स्तंभन इन क्रियाओं के लिए माँ बगलामुखी का उनके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और सदियों से जो है लोगों को सफलता मिलता आ रहा है। चाहे 1962 में चाइना और भारत का वो युद्ध हो, जब दतिया धाम में माँ बगलामुखी के दरबार में 51 कुंडी माँ बगलामुखी का मंत्र जाप और पाठ हुआ था और चीनी सैनिकों को भागना पड़ा था, बहुत से चीनी सैनिक हैजा से भी मर गए थे। आज हमारे देश पर, पूरे विश्व पर चाइना ने संकट लाया है। भारतवर्ष देवभूमि है, एक ऐसी भूमि है जिस भूमि के लोगों का अंत विश्व के किसी के भूमि से, अन्य विश्व के किसी के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका प्रमाण है कि जब जब विश्व पे संकट आया है, भारत भूमि सबसे पहले आगे बढ़ी है, भारत के लोग सबसे पहले आगे आए हैं, भारत के संत महात्मा ऋषि सबसे पहले आए हैं, और ये काशी है। उस समय 62 में भी एक प्रधानमंत्री ने 51 कुंडी यज्ञ कराए थे। आज हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उनका प्रतिनिधि बन करके ये यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इस समय पूरे विश्व के समस्त भारत के खिलाफ जो व्याधियां हैं उनको दूर करने में निरंतर लगे हुए हैं। तो हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है, तो हम लोग काशीवासी हैं, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के नागरिक हैं, और हम विश्व हिंदू सेना के कार्यकर्ता हैं, और हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हिंदुओं की रक्षा हो, कोरोना का वध हो, और चाइना जल्द से जल्द अपने असली हैसियत में आ जाए। इस वजह से आज हम लोगों ने माँ बगलामुखी का मंत्र जाप और पाठ का यहाँ आयोजन किया है। जब तक सूर्य ग्रहण चलेगा तब तक ये जाप और पाठ चलेगा। सूर्य ग्रहण के उत्तीर्ण होने के बाद फिर हवन यहाँ पे होगा, और ऐसा हमारा विश्वास है
कि निश्चित चाइना का पराजय होगा, भारत का विजय होगा, कोरोना का वध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। गुरु परंपराओं से मिले हुए एक बीज से, आज विशेष बीज से इस मंत्र का जो है प्रयोग किया जा रहा है, और पूर्व में भी जब भी मैंने इस बीज का प्रयोग किया है, इसका प्रमाण है कि मुझे उसका फल मिला है। आज इसीलिए श्री यज्ञ शोध संस्थान ट्रस्ट के सौजन्य से विश्व हिंदू सेना के नेतृत्व में आदरणीय श्री श्री 1008 जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संपत कुमाराचार्य जी, आचार्य श्री कृष्ण भगवान पांडे जी के नेतृत्व में आज ये पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, और ऐसा विश्वास है कि हमारे जगत गुरु और हमारे काशी के विद्वान ब्राह्मणों संत महात्माओं के आदेश से आशीर्वाद से निश्चित कोरोना का वध होगा, माँ बगला मुखी का कृपा रहा, चाइना का सर्वनाश होगा।